मेरी गाड़ी हमेशा की तरह यहीं पे खड़ी रहती है। इसमें मैं ताले वाले लगा देता हूँ, चार्जिंग के लिए लगा देता हूँ इसको, चार्ज होती रहती है। तो आज देखा रात को सुबह उठते ही वो चौकीदार आया था, तो चौकीदार ने पापा को जगाया कि भाई आपकी बैटरी के पत्थर बाहर पड़े। वैसे मैं सीटों पर पत्थर भी रखता हूँ, कुत्ते उत्ते सीटें फाड़े ही नहीं इसलिए, तो पत्थर बाहर पड़े थे तो चौकीदार ने आके उठाया। चौकीदार फिर पापा बाहर आए तो पापा ने देखा तो फिर वो बैटरियाँ नहीं थी, फिर पापा ने मुझे उठाया रात को 4:30, 4:15 ऐसी कुछ टाइम हो रहा था। कौन सी जगह है ये? ये किशन कन्या कॉलोनी मलूसर रोड वार्ड नंबर 14। यहाँ पर कोई पुलिस की गश्त वगैरह नहीं होती? सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ सामने, एक लगा हुआ है, एक उस साइड लगा हुआ है, तीनों चारों साइड सीसीटीवी कैमरे आया है। कुछ आए हैं, उनके शक्ल आएंगे, लेकिन वो शक्ल थोड़ी साफ नहीं आई है। कितने का नुकसान हुआ लगभग? मेरी चार बैटरियाँ लगभग 28-30 हज़ार की आती है सर इसकी, और इसके कागज़ भी ले गए साथ में, RC होते हैं ना वो पीछे, मैंने बैटरी के ऊपर ही रखी हुई थी एक पर्स में थोड़े, तो वो भी ले गए। आपका नाम बताओ? सुरेंद्र कुमार। कल रात की घटना है, 3:15 की। ये 4-5 जने एक गाड़ी पे आए थे, और जो बैटरी रिक्शा है जो चलते हैं उनमें रात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन वो ये लोग भूल गए शायद कि पूरा वार्ड नंबर 14 पूरे कैमरों से लैस है, तो उनकी हर एक करतूत सारी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। उनकी फ़ोटो, कब कितनी बैटरियाँ निकाली, कैसे गए, कहाँ से निकाली, सारे वो कैद हो गए। ये कल रात की घटना थी। कितने कैमरे लगे हुए हैं? पूरे वार्ड में 32 कैमरे लगे हुए हैं, नगर निगम द्वारा लगाए हैं। महापौर जी का मैं तय दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिससे आज मेरे वार्ड की जनता चैन से सो सकती है। अगर रात को कोई वारदात भी होती है तो कुछ ना कुछ अप्रिय, अगर कोई सी भी ऐसी घटना हो वो कैमरे में कैद हो जाती है, जिससे अवेयरनेस है पब्लिक के अंदर। चंद्रशेखर बालोटिया, पार्षद वार्ड नंबर 14।